गंगा जी का मेला था और उस मेले में एक कवि पहुंच जाता है। पूरा मेला घूम कर देखा तो मेले में अजीब तरह की घटनाएं उसको नजर आई। कहीं कुछ हो रहा है, कितने कुछ हो रहा है, तो अलग अलग मेले का दृश्य कवि ने अपनी कविता में समेट लिया। तो कैसा मेला था, क्या क्या उस मेले में होया, क्या क्या घटा, कवि ने एक बात के दोबारा क्या बता दिया बोला। ओ प्रोग्राम चला हुआ है और हमारे से बड़े भाई नरेंद्र खड़किया ने बहुत अच्छे कलाकार हैं जो जैसा भी रंग सुनाया उनकी पैड में पैड मिलाने की कोशिश करेंगे। तब बात कहां से होगी कि जिस वक्त वो जाट मेहर सिंह 15 दिन का उपवास आ जाते हैं और आके बुढ़ा बाजा में बैठ गए, एक बुझे पे ना डटे गए, कह लग रहे बेटे मेहर सिंह अगा आता हूं, अगे एक बात का उत्तर दे, क्या कहा
अक्चार चीज किस बिन सुनने आकर है। कह लगे रहा था उतर के दूंगा, अख तड़के दे दिए बेटा, अगले दिन तड़की तड़के जी भोखा पानी पे बैठे थे, जंगल पानी होने जा थे तड़के तड़क सजा के बैठ के नू। कह लगे रहा बेटे मेरे सिंह उस बात का उत्तर ना दिया था, नू बोले रहा था दूंगा। एक बात के द्वारा वो जात मेहर सिंह सुबह का टाइम है, एक एक बोल कती जे मैं गलन जोगा के कह लग गया केर ताजा वाला बेटा सुनना बिन माता की छोरी और बिन भूमि जमींदार अब सुनना बिन बालम की गोरी। लोगों कति छाती बहादुर के देख ले एक बात न्यू की न्यू और सुनो जोड़ के प्रार्थना है, अव्यवस्था मत बनाइए, आपका अपना प्रोग्राम है और आप इसमें सहयोग देने की कृपा करें।
सभी भाई शांति का दान दें। धन्यवाद। साचरे
बताया के बिना बाप का बेटा सुनना बिन माता की छोरी और बिन भूमि जमींदारा सुनना ये क्या की मरोड आगे के धरती की ना कोई ना बुझे हमने कहीं से ले जाओ सारे गुआंड में कोई ना बुझे ना भारत में ना और देश में तीसरे नंबर पे भूमि के बारे में क्या बता दिया मेरी सीना वाला बताया
जे बिना बाप का बेटा सुनना बिन माता की छोरी और बिन भूमि जमींदारा सुनना बिन बाल की गोरी। जब गोरी का शब्द आया तो उस मेहर सिंह की आख्या में थोड़ा थोड़ा पानी नजर आता उन्हें। कहने लगे रे बेटे तेरे दोस्त का खेत का सेहरा रहा करता, आज दोस्त सेहरा क्यों करोगा? कहने लगे रे ताऊ जब मैं उन्हें बॉर्डर पे ड्यूटी में चला जाता हूँ उस प्रेम कौर के जीव के भी क्या करे कैसे चौथे नंबर पर के बताया बोला। जन्म जाते करे